हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 24। 7th स्टैंडर्ड का ये बुक है। इसमें से हमने सारे प्रैक्टिस सेट इसके पहले की जितने भी है कंप्लीट कर दिए हैं, और आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस सेट 24। तो इसके पहले वाला भी प्रैक्टिस सेट ये लेसन का हो गया है। तो अभी ये स्टार्ट करने के पहले मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर देती हूँ। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसीमल फॉर्म। तो ये जो रैशनल नंबर्स है इन्हें डेसीमल फॉर्म में लिखना है। तो डेसीमल फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, तो दिस इज़ वेरी सिंपल। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल करके दिखा देती हूँ। देखो, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट सम प्रैक्टिस सेट 24, इसका हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सम। ओके, क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है 13/4। तो कैसे करना है, हमें यहाँ पर इसे लिखना होगा डिवीजन फॉर्म में। 13/4, 13/4 को 13/4 ऐसे लिखना है। अभी फोर का टेबल आप बोलोगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पे 3 माइनस 2 हो गया है 1, 1 माइनस 1 इज़ 0। अभी क्या करना है, ये रिमाइंडर यहाँ पे 1 आया है, लेकिन हमें यहीं स्टॉप नहीं करना है। वी हैव टू ऐड अ ज़ीरो, एक ज़ीरो हमें ऐड करना है। और जब हम ज़ीरो फर्स्ट टाइम ऐड करेंगे, तब हम ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। जब भी फर्स्ट टाइम है ज़ीरो जब ऐड किया है, तब शायद से आगे भी ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा। तो हम चेक करेंगे वो सम कैसे आएगा। 4 2 ज़ा क्या आता है 8, यूनिट साइड में ही लिखना है। और 10 माइनस 8 हो गया 2। अभी फिर से क्या करना है, ज़ीरो ऐड करना है। देखो, सेकेंड टाइम ज़ीरो ऐड किया, बट यहाँ पे पॉइंट नहीं देना है। सिर्फ स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करोगे, तभी एक ही बार पॉइंट देना है जब फर्स्ट टाइम ज़ीरो ऐड किया था, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। ओके ना, 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पर क्या हो गया है, 2 माइनस 2 ज़ीरो, 0 माइनस 0 ज़ीरो। तो हमारा ये सम यहाँ पर स्टॉप हो गया है। दैट मीन्स इसका आंसर क्या आ गया है, 3.25। ये डेसिमल फॉर्म में हमने लिख दिया 3.25। अभी सेकेंड सम देखो, यहाँ पर जो दिया है इसमें -7/8 दिया है। तो नेगेटिव है तो डोंट वरी, दिस इज़ वेरी सिंपल, -7/8। तो अब हम जब सॉल्व करेंगे तो वी विल नॉट टेक हियर नेगेटिव, जो नेगेटिव है यहाँ पर उसे नहीं लेंगे। 7/8 को 7/8 ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है, 8 1 ज़ा 8 नहीं ले सकते हैं, तो 8 0 ज़ा 0 लेना है। और 7 माइनस 0 इज़ 7। अभी नेक्स्ट क्या करना है हमें, वी हैव टू ऐड यर 0। और जब 0 ऐड कर दिया फर्स्ट टाइम, तो क्या लेना है, पॉइंट। तो 8 1 ज़ा 8, 8 के टेबल में देखो 70 तो नहीं आता है, 72 आता है। 8 9 ज़ा 72, 72 इज़ बिगर नंबर। तो व्हाट वी विल डू, तो 8 8 9 ज़ा 72 आता है, तो 8 8 ज़ा 64 लेते हैं, 8 8 ज़ा 64। तो अभी 70 माइनस 64 करोगे तो यू विल गेट हियर 6, ठीक है। आप एडिशन करके साइड में लेके भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या डायरेक्टली यहाँ पे 0 माइनस 4 नहीं होता है तो कैरी करो, 10 माइनस 4 इज़ 6, यहाँ पे 6 लेफ्ट हुआ, 6 माइनस 6 इज़ 0। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ये 0 फिर से हमने ऐड कर दिया। ना 8 का टेबल फिर से बोलो, 60 नहीं आता है, तो 64 8 8 ज़ा हो गया, तो 8 7 ज़ा 56, ठीक है। अभी 60 माइनस 56 करते हैं तो 4 लेफ्ट होता है। तो यहाँ पे फिर से 0 ले लो। अभी 0 ऐड कर दिया है, तो 8 के टेबल में 8 5 ज़ा 40, ओके आ गया है 8 5 ज़ा 40। चेकआउट करना पड़ता है हर बार कि हमें वो सिमिलर सम मिल नंबर मिल रहा है नहीं है, तो उसे स्मॉलर नंबर लेना है। और जब सेम नंबर आ गया है, तो यहीं पर सम जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो व्हाट आंसर वी गेट, 0.875। व्हाट इज आंसर, 0.875। ये हो गया, हमने डेसिमल फॉर्म में इसे लिखा है। अभी लास्ट चीज़ इसमें क्या रह गई है, आपने नोटिस किया यहाँ पर जो माइनस था, ये हमने नहीं लिया है ना अब तक, तो हम यहाँ पर इसे माइनस भी ले लेंगे, मतलब ये नेगेटिव फॉर्म में आ गया है, ठीक
ठीक है, सिंपल है सम। ओके नाउ हम सेकेंड थर्ड सम करेंगे। थर्ड सम देखो क्या दिया है, 7 3/5 ऐसे दिया है ना। तो हम जैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसका आंसर फाइंड करेंगे। 7 5 35, 35 + 3 35, 36, 37, 38/5 क्या आ गया है हमको, क्या मिल गया आंसर, 38/5 मिल गया है। तो हम इसे अब लिखेंगे 38/5। तो 5 7 35 यहाँ पर ले लो। अभी 8 - 5 = 3, 3 - 3 = 0। अभी 0 हमने ऐड कर दिया है एंड गिव यू 1 पॉइंट, वो हो गया डेसिमल पॉइंट। नाउ 5 5 = 25, 5 6 = 30। तो आंसर क्या आ गया है, 7.6 आंसर क्या है। अभी हम क्वेश्चन पहले लिखेंगे, 7 3/5 का आंसर क्या है, 7.6, मतलब डेसिमल पॉइंट आ गया है 6। ठीक है, ये थर्ड सम भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ सम दिया है 5/12, 5/12 तो कैसे लिखेंगे, 5/12। सो 12 के टेबल में 5 तो नहीं आएगा, तो क्या करना है, 12 0 0, 5 नीचे आ गया है। अभी ऐड करना है 0 एंड गिव यू अ पॉइंट। 12 के टेबल में देखो, 12 3 = 36, 12 4 = 48, 12 4 = 48। तो 50 - 48 क्या हो गया, 2 लेफ्ट हुआ, ऐड ये 0। 12 1 = 12, बिकॉज 12 2 = 24 होता है ना, तो नहीं लेना है उसे। तो यहाँ पे 20 - 12 = 8 लेफ्ट, ऐड 0। नाउ 12 6 = 72, 12 6 = 72। सो 80 - 72 इज विच नंबर लेफ्ट, 8 लेफ्ट। फिर से ऐड करो तो आ गया है 80। ठीक है, फिर से 80 था, फिर से 80 आ गया है। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, 12 6 = 72। तो फिर से 12 6 = 72 ले लेते हैं। फिर से क्या हो जाएगा, 80 - 72, 8 लेफ्ट हुआ, फिर से 0 ऐड करेंगे। अभी क्या होगा, हर बार हम 6 लेते जाएंगे और यहाँ पर 72 आ जाएगा, फिर माइनस करने के बाद फिर से लेफ्ट हो जाएगा 8, फिर 0 ऐड करेंगे। मतलब ये नंबर जो है 6, ये और 80, ये रिपीट होते जाएगा। इसीलिए अभी हमें क्या करना है, जब हम आंसर लिखेंगे तब हमें दिखाना है कि जो 6 है ये आगे रिपीट होने वाला है। मतलब इसके ऊपर यहाँ पर हम ऐसे एक पॉइंट करेंगे, उसे हम डॉट करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर जो आपको एग्जांपल दिया है ना, उसमें मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, यहाँ एग्जांपल में करके दिखाया हुआ है। जैसे 3 3 रिपीट हो रहा था, तो यहाँ पर इसे ऐसे हमने डॉट दे दिया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी लिख कर दिखाया है वैसे ही, तो रिपीट होता है, रिपीट होता है, इसीलिए उसके ऊपर हम वहाँ डॉट कर देते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर सेंटेंस है, मैं रीड करके दिखाती हूँ। एग्जाम में आप लोगों को ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी आ सकता है। अ सिंगल डिजिट और अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स ऑक्यर्स रिपीटेडली ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में आता है। दिस टाइप ऑफ डेसिमल फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर इज कॉल्ड द रिक्यूरिंग डेसिमल फॉर्म। जो रिपीट होता है उसे क्या कहेंगे, रिक्यूरिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन दिया है, तो यहाँ अंडरलाइन करके भी आप रख दो ताकि आप लोगों को ध्यान रहेगा। और दिया है, एक सम रैशनल नंबर हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म वाइल सम हैव अ रिक्यूरिंग डेसिमल फॉर्म। ठीक है, टर्मिनेटिंग का कुछ सेंटेंस दिया है। ओके, यहाँ पर देखो टर्मिनेटिंग के लिए भी सेंटेंस दिया है, ये भी आप ले लो पेज नंबर 39 के ऊपर। वी हैव ऑब्टेन्ड 0 एज द रिमाइंडर, जब हमें 0 मिल जाता है रिमाइंडर में, दिस टाइप ऑफ डेसिमल फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। मतलब जो सम्स हमने यहाँ पर किए हैं,
जिसमें जीरो आ गया था वो हो गया टर्मिनेटिंग, और जिसमें जीरो नहीं आया है रिपीट हो रहा है तो वो हो जाएगा रिकरिंग। ठीक है, सिंपल है, याद रहेगा आप लोगों को।